2018 में जीरो के सुपर डुपर फ्लॉप होने के बाद शाहरुख खान के करियर को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन शाहरुख खान 5 सालों के बाद ऐसा जबरदस्त कमबैक करेंगे ये किसी ने सोचा तक नहीं था। 2023 के शुरुआती महीने में उनकी फिल्म पठान का आगाज होता है और पठान फिल्म में उनके एक्शन को देखने के बाद हर कोई दांतों तले उंगली दबा लिया। पठान फिल्म हिट होती है और कुछ महीनों के बाद अब जवान फिल्म सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई करती हुई नजर आ रही है और जवान फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो चुकी है। पठान फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1050 करोड़ रहा तो वहीं दूसरी ओर जवान वर्ल्ड वाइड अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है। यानी अपनी दोनों फिल्मों से शाहरुख खान ने 2000 करोड़ रुपए कमाकर एक नया इतिहास ही रच दिया। लेकिन शाहरुख खान की यह आंधी अभी भी रुकने वाली नहीं है। 2023 के अंतिम महीने यानी क्रिसमस के मौके पर उनकी फिल्म डंकी का आगाज होने वाला है और डंकी फिल्म को भी लेकर शाहरुख खान काफी एक्साइटेड चल रहे हैं। माना जा रहा है कि यह फिल्म भी 1000 करोड़ रुपए आसानी से कमा ले जाएगी। लेकिन इसी कड़ी में शाहरुख खान ने एक और बड़ा कारनामा करके दिखाया जिसकी वजह से अब बॉलीवुड के खिलाड़ी कहलाए जाने वाले अक्षय कुमार और सनी पाजी भी पीछे हो चुके हैं। मौजूदा समय में हिंदी और दूसरी भाषाओं में इंप्रेसिव कलेक्शन के बाद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जवान का जलवा अभी तक कायम है। यह फिल्म इसी महीने 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रिलीज के पहले दिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुकी है। अब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास बना दिया और इस रिकॉर्ड के साथ शाहरुख खान अब बॉक्स ऑफिस पर भी छा चुके हैं। बताना चाहेंगे कि जवान ने सिर्फ हिंदी भाषा में 505 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी बेल्ट में यह फिल्म अभी भी अपनी मजबूती बनाई हुई है। वहीं दूसरी भाषाओं को मिलाकर जवान की कमाई मौजूदा समय में 563 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है जो भारत में अब तक किसी भी हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा माना जा रहा है। इस फिल्म में शाहरुख खान ने सनी देओल, अक्षय कुमार सहित बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टारों को पीछे तक कर दिया है। हालांकि यह फिल्म और अधिक रिकॉर्ड तोड़ने और फिल्म इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड स्थापित करने की राह पर है। जवान ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन सफलता को फिर से परिभाषित करके दिखाया और अपनी मनोरंजक कहानी और लगातार अपनी शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल भी जीता है। बताना चाहेंगे कि जवान एटली द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा प्रोड्यूस की हुई फिल्म है जिस फिल्म को 7 सितंबर को एक साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का डबल किरदार था और इस किरदार को बड़े पर्दे पर शाहरुख खान ने बखूबी पेश भी किया। जवान फिल्म में एक्शन देखने के बाद हर कोई शाहरुख खान का दीवाना हो गया और यही बड़ी वजह है कि शाहरुख खान ने जो कारनामा करके दिखाया है वो आज तक न खिलाड़ी अक्षय कुमार, न सनी देओल, न सलमान खान, न आमिर खान कोई भी नहीं कर पाया है और शाहरुख खान ने इस मामले में अपनी बादशाहत को दुनिया के सामने रखा है। हालांकि पठान और जवान के हिट हो जाने के बाद शाहरुख खान आने वाले समय में अपनी फिल्म डंकी को लेकर चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं। डंकी को राजकुमार हिरानी ने निर्देशित किया है और यह 2023 की आखिरी महीने में रिलीज होने वाली फिल्म है जिस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू, दिया मिर्जा और बोमन ईरानी होने वाले हैं। हालांकि फिल्म की कहानी से पर्दा तो नहीं उठ पाया है लेकिन शाहरुख खान के लुक को देखने के बाद लोगों का मानना है कि यह फिल्म पठान और जवान का भी बाप निकलेगी और यह फिल्म भी 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ले जाएगी। अगर ऐसा होता है तो शाहरुख खान बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे अभिनेता रहेंगे जिनकी 3 फिल्मों का कलेक्शन 3000 करोड़ रुपए के पार चला जाएगा और ऐसा कारनामा करने वाले शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बड़े किंग बनकर उभर जाएंगे।